हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं कब स्टलिश हुई थी हेड क्वार्टर कहाँ पर है हेड कौन से हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए तो इसको कवर कर लेते हैं और सबसे पहले देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कौन से इंडेक्स रिलीज़ करती हैं जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को आई रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट फिर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को विपो रिलीज़ करता है फिर करप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज़ करता है नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज़ किया जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स इन सभी को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इन दोनों रिपोर्ट्स को आई जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दोनों को ही इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया बेस्ड संस्था है इसके द्वारा जारी किया जाता है और फिर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको कॉर्नल यूनिवर्सिटी इनसीड और वेपो तीनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक तो ये बने हैं भारत के इंद्रमणि पांडे भारत के सीनियर डिप्लोमेट हैं इंद्रमणि पांडे इनको बनाया गया के सेक्रेटरी जनरल के रूप में तीन साल तक इनका कार्यकाल रहने वाला है ठीक है और ये के फोर्थ सेक्रेटरी जनरल है यहाँ बिम्स्टेक की कुछ बातें कर लेते हैं फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टिक स्टेबलिश हुआ था नाइनटीन नाइनटी सेवन में विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ में 1997 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इनिशियली इसे बिस्टिक के नाम से जाना जाता था जिसकी फुल फॉर्म थी बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कोपरेशन फिर 1997 में बिम्स्टिक के रूप में आया जब म्यांमार इसमें शामिल हुआ फिर 2004 में भूटान और नेपाल भी इसमें में मेंबर्स बने तो अभी हम देखते हैं सात मेंबर्स हैं इसके इंडिया भूटान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड नेपाल और श्रीलंका वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 21 परसेंट यहाँ पर रहता है बिमस्टिक कंट्रीज़ में और फिफ्थ बिमस्टेक समिट 2022 में हुई थी श्रीलंका में याद रखिएगा हेडक्वार्टर बिमस्टेक का है ढाका बांग्लादेश में और सेक्रेटरी जनरल इस समय इंद्र मणि पांडे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यू एंड रिलेटेड ग्लोबल बॉडीज़ इन जेनेवा तो ये बने हैं अरिंदम बागची अब एक चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू तो द यूएन वो तो रुचिरा कम्बोज है तो ये कौन से बने हैं अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव तो याद रखिएगा यूएन में रुचिरा कंबोज हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है और जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है ना जेनेवा जेनेवा में यू या फिर जितनी भी और ग्लोबल बॉडीज़ हैं उनके हेडक्वाटर्स जिस भी बॉडी के हेडक्वाटर जेनेवा में हैं उन सभी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से बने हैं अरिंदम बागची ठीक है रुचिरा कंबोज यूएन में है और लेकिन जेनेवा में जितनी भी चाहे वो यूएन हो या फिर कोई और भी ग्लोबल बॉडीज जिनका हेडक्वाटर जेनेवा में है उनके बने हैं अरिंदम बागची याद रखिएगा डिफरेंस दोनों में अब यहाँ यूएन की बात कर लेते हैं यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र फॉर्मेशन हुआ था 1945 में हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में ठीक है यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है न्यूयॉर्क में है और जेनेवा में यू का ऑफिस है और और अदर ग्लोबल बॉडीज़ का हेड क्वार्टर है वहाँ पर है वो ठीक मेंबर है मेंबरशिप देखिए वन नाइनटी थ्री मेम्बर स्टेट हैं यूएन के और दो ऑब्जर्वर सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस पोर्तुगल हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत की यूएन में रुचिरा कम्बोज एशियन डेवलपमेंट बैंक ये है विकासशील तीन साल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं ये अब ए की बात कर लेते हैं 1966 में हुआ था हैंडक्वार्टर है मनीला फिलिपींस में 68 एट कंट्रीज इसकी मेंबर हैं प्रेसिडेंट हैं मगु असा कावा और वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा ये भारत के हैं फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं ये, है है, है? ये हैं एडीपी के वाइस प्रेसिडेंट और विकासशील अभी बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं ये हैं जिम्स किया आईपीसीसी 1988 में स्टेब्लिश हुआ था इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में वेयर इज द ब्रिक्स समिट 2023 हेल्थ ब्रिक्स समिट दो की कहा पर हुई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में देखने को मिली भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री गए थे इसमें शामिल होने के लिए थीम इसकी अफ्रीका ने रखी थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलिटरलिज्म अब 2023 में जो ब्रिक्स समिट हुई इसमें छः देशों को शामिल किया गया छः में से एक देश ऐसा है जिसने मना कर दिया कि वो शामिल नहीं होना चाहते अर्जेंटीना ने जो हमने इन्विटेशन भेजा था उसको डिक्लाइन कर दिया ऑफिशियली ठीक है तो अब पाँच ऐसे मेम्बर्स हैं जो ब्रिक्स के नए मेम्बर बने हैं इजिप्ट इथियोपिया ईरान सऊदी अरबिया और यू ए जनवरी दो से ये ऑफिशियली ब्रिक्स के मेम्बर्स बन गए हैं तो अब ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हो गई हैं दस कंट्रीज हो गई हैं अभी तक पांच कौन से थे ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ठीक है अभी ये पांच भी आ गए हैं तो अब ब्रिक्स में दस मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं तो ये टर्म जो है ना ब्रिक दिया गया था पहली बार दो में किसने दिया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ इनके द्वारा ही टर्म दिया गया था कि ब्रिक कंट्रीज़ हैं चार कंट्री ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना जो कि दुनिया की चार इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं ठीक है तो ये सबसे पहले सिर्फ टर्म दिया गया था जब टर्म आया तो फिर ये कंट्रीज़ ने भी सोचा कि हमें आगे आना चाहिए एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए क्योंकि हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की जो बहुत तेज़ी से इमर्ज कर रही हैं तो फिर दो में एक ग्रुप एक ग्रुप को फॉर्मलाइज़ किया जाता है ठीक है उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ कब ये ब्रिक्स बना ब्रिक्स से तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बना 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है इसकी चेयरमैनशिप किसके पास होती है तो रोटेशनल बेसिस पर होती है जैसे ब्राज़ील के पास है तो अब नेक्स्ट टाइम फिर रशिया के पास होगी उसके बाद इंडिया के पास फिर चाइना फिर साउथ अफ्रीका जैसे अभी दो में कहाँ पर हुई साउथ जैसे जैसे अभी दो में कहाँ पर हुई ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुई थी तो अगला नंबर ब्राज़ील का आता लेकिन ब्राज़ील ने फ़िलहाल मना कर दिया क्योंकि जी ट्वेंटी की समिट भी ब्राज़ील के यहाँ पर ही होनी है ठीक है तो ब्राज़ील ने मना कर दिया कि वो नहीं कर पाएंगे इस वजह से अब रशिया करेगा इस बार दो में ठीक है तो रोटेशनल बेसिस पर ही होती है ब्राज़ील का नंबर ही आता लेकिन उसने मना कर दिया इसलिए अब रशिया करेगा तो ये चीज़ याद रखिएगा दस मेंबर्स हो गए हैं हमने देख लिया ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ये पहले से थे अभी नए मेंबर्स इजिप्ट इथियोपिया ईरान सऊदी अरबिया और यूएई बने हैं फोर्टीनथ ब्रिक्स समिट हुई थी चाइना में ठीक है क्योंकि रोटेशन देखें हम तो चाइना का नंबर फिर साउथ अफ्रीका का आया तो पहले चाइना में हुई थी फिर साउथ अफ्रीका में अभी ब्राज़ील में होनी थी लेकिन रशिया करेगा यहाँ पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स कुछ देख लेते हैं अरिंदम बांगची हम देख चुके हैं इंडिया के एम्बेसडर बने हैं टू यू इन जेनेवा ठीक है यू एंड अदर ग्लोबल बॉडीज इन जेनेवा डेनिस फ्रांसिस त्रिनी और टोबैको से बिलोंग करते हैं ये और ये सेवेंटी एथ यू एन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंदौस यू के हैं ये डब्ल्यू के प्रेसिडेंट बने हैं फिर डब्ल्यू एम ओ की पहली सेक्रेटरी जनरल फीमेल आ, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है सिलिस्टे सोलो ये अर्जेंटीना की हैं लिंडा लिंदा यासैरिनो ट्विटर के सी ई ओ नील मोहन यूट्यूब के सी ई ओ हमारे कैग हैं जी सी मुर्मू इन्हें चार साल के लिए डब्ल्यू एच ओ के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में रीएलेक्ट किया गया है इसके अलावा ये आई एल ओ के भी एक्सटर्नल ऑडिटर है यहाँ पर भी इनको रीइलेक्ट किया गया जी सी मुर्मू ठीक है डब्ल्यू एच ओ और आई एल ओ दोनों में एक्सटर्नल ऑडिटर हैं नेक्स्ट आते हैं अरुण सुब्रमण्यम पहले इंडियन अमेरिकन जज हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में ए सी नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं कैथरीन रसेल कैथरीन रसेल अमेरिका की हैं इन्हें यूनिसेफ का हेड बनाया गया विश्वनाथ है विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्टी फर्स्ट ऑफ नाटो नाटो की थर्टी फर्स्ट मेम्बर फिनलैंड बनी है थर्टीअ मेंबर नाटो का था नॉर्थ मैसेडोनिया 2023 में और स्वीडन की अब कोशिश हो रही है कि स्वीडन भी इसका पार्ट बन जाए ठीक है स्वीडन ने अपनी इच्छा जताई है अभी बातचीत होगी नाटो के मेंबर्स देखेंगे लेना है यानी स्वीडन को बाकी नाटो के बारे में देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है चार अप्रैल 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ था मिलिट्री अलायंस एक तरह का हेडकोार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में 31 स्टेट्स इसके मेंबर हैं इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है नाटो की फिर सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग नॉर्थ मेसिडोनिया थर्टी कंट्री है जो नाटो में शामिल हुई थी और थर्टी फर्स्ट मेम्बर है फिनलैंड विच कंट्री बिकम फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक फोर्थ न्यू मेंबर इसका इजिप्ट बना है दो हज़ार इक्कीस में बांग्लादेश यू ए और उरुग्वे ये नए मेंबर्स बने थे इसके और अभी चौथा नया मेंबर ये बन गया है ठीक तो है तो रिसेंट के चार नए मेंबर्स हैं ये न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलिटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा जॉइंटली इसकी स्थापना की गई थी कब की गई थी 2014 में सिक्स ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राज़ील में उसी टाइम पर इसको बनाया गया था बैंक फॉर्मली 2015 में एग्जिस्टेंस में आया था इसका हेड क्वार्टर है शंघाई चाइना में प्रेजिडेंट है इसके डिल रॉजिव ब्राज़ील के हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ब्रिक्स मेम्बरशिप देखें तो पाँच कंट्रीज़ ब्रिक्स की हैं फिर बांग्लादेश इजिप्ट यू एरुवे हु हैज़ रिसेंटली बिकम द नाइन्थ मेंबर ऑफ एस सी ओ एस सी ओ का नाइन्थ मेंबर बना है ईरान ईरान को एक फुल मेंबर का दर्जा ट्वेंटी फर्स्ट समिट में दिया गया था ट्वेंटी फर्स्ट समिट ताजुशानबे ताजिकिस्तान में हुई थी एस सी ओ लीडर्स की उसी में फुल मेंबर ईरान को बनाया गया था ठीक है और इंडिया ने एस सी ओ को ज्वाइन किया था दो हज़ार सत्रह में आ, अस्ताना समिट हुई थी दो हजार सत्रह में उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में इसमें शामिल हुए थे अब यहाँ पर एस सी ओ की बात कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई सहयोग संगठन पंद्रह जून दो हज़ार एक में अनाउंस किया गया था ये फाउंड करने के लिए उन्नीस सितंबर दो हज़ार तीन में ये फोर्स में आया था हेडकुआटर है बीजिंग चाइना में सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग नौ मेंबर स्टेट हैं एस के इंडिया चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया पाकिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान ठीक है इंडिया ने एस की प्रेसिडेंसी 2023 में संभाली थी विच कंट्रीज़ होस्टेड जी ट्वेंटी समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हज़ार तेईस की जी ट्वेंटी समिट भारत ने होस्ट की जी ट्वेंटी का एटटीन एडिशन था ये थीम इसकी रखी गई वसुधैव कुटुम्बकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और ये पहली समिट थी जो इंडिया ने होस्ट की साथ में साउथ एशिया में भी पहली समिट ये होस्ट की गई है दो हज़ार बाईस में इंडोनेशिया में हुई थी और अभी जी ट्वेंटी समिट दो हज़ार तेईस जो इंडिया ने होस्ट की उसमें ट्वेंटी फर्स्ट मेम्बर इसका अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द चीफ इकनॉमि वर्ल्ड बैंक रिसेंटली ये इंदरमीत गिल सेकेंड इंडियन है जो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के इससे पहले दो हज़ार बारह से सोलह में कौशिक बसु बनाए गए थे यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की तो दिसंबर नाइनटीन फोर्टी फोर में ये फाउंड किया गया था हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डी सी में प्रेजिडेंट हैं अजय मांगा एम डी और सी ई एफ ओ हैं अंशुला कान्त इंडियन है ये चीफ इकोनॉमिस्ट है इंदरमीत गिल और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये सारे वर्ल्ड बैंक जारी करता है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई ये बनी है गीता गोपीनाथ आई की बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 27 दिसंबर 1944 को इस्टबलिश हुआ था वाशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर है वन कंट्री 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं एमडी हैं क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा और नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आई के पियरे ओलिवियर गोरजार्ज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ़ एफ ए टी एफ रिसेंटली ये बने हैं टी राजा कुमार सिंगापुर से बिलोंग करते हैं ये ठीक है यहाँ एफ ए टी एफ की बात कर लेते हैं फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाइनटीन एटी नाइन में फॉर्म हुआ था जी डो जी सेवन कंट्रीज के द्वारा हेडकोर्टर है इसका पेरिस फ्रांस में थर्टी नाइन स्टेट्स इसके मेम्बर हैं टी राजा कुमार प्रेजिडेंट हैं और अभी रीसेंटली ही एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट में ग्रे लिस्ट में से सेमिन आईलैंड को हटा दिया गया है और यू को इसमें शामिल कर लिया गया था हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ़ यूनिसेफ़ रिसेंटली यूनिसेफ़ के हेड हैं कैथरीन रसल यूनिसेफ की बात यहाँ पर की जाए तो 11 दिसंबर 1946 में इस्टब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है कैथरीन रसेल इसकी हेड है अमेरिका की हैं ये गोजी कोंजो इवेला द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यू टी ओ इज फ्राम विच कंट्री तो ये बिलोंग करती हैं नाइजीरिया से ठीक है पहली महिला और पहली अफ्रीकन हैं जो डब्ल्यू डी ओ को लीड कर रही हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं एक जनवरी 1995 में फॉर्म हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेड क्वार्टर है मेंबरशिप देखें 164 कंट्रीज डायरेक्टर जनरल नगोजियो कंजो इवेला और डब्ल्यू से पहले 1995 से पहले 1948 में गेट की स्थापना की गई थी इसी को हटाकर इसी को रिप्लेस करके डब्लू बना नाइनटीन में हु हैज़ रीसेंटली बिकम द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बने हैं जेरमी फ़रार सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस करके इनको बनाया गया है अभी अब यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ की बात कर लेते हैं सात अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट में स्टेबलिश हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वाटर है डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एदोनॉम चीफ साइंटिस्ट है जेरेमी फरार वर्ल्ड हेल्थ डे होता है सात अप्रैल को दो हजार तेईस के लिए इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्यारह अप्रैल उन्नी उन्नीस सौ उन्नीस फॉर्म हुआ था जिनेवा बाद स्विट्जरलैंड हेडक्वाटर है वन एटी सेवन मेम्बर कंट्रीज हैं इसमें डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट हॉगबो और 1969 का नोबेल पीस प्राइज़ आई को मिल चुका है अगला आता है विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन चौदह जुलाई 1967 में फॉर्म हुआ था जिन्हें बाद स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है मेंबरशिप है 193 नाइन्टी स्टेट्स और डारिंग तांग इसके डीजी हैं सिंगापुर से ही बिलोंग करते हैं नेक्स्ट आता है स्विट्जरलैंड में जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर हैं उनको देख लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंक टाट का हेड क्वार्टर है जिनेवा में रेड क्रॉस का भी जेनेवा में है वर्ल्ड मटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी जेनेवा में है फिर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का स्विट्जरलैंड में है लेकिन स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में है और आई का भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनेस्को की इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 में हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में भर मेंबर स्टेट्स इसमें शामिल हैं और डायरेक्टर जनरल इस समय है ऑड्रे एजोले फ्रांस से बिलोंग करते हैं फिर ओई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और इंटरपोल इनका हेडक्वाटर है लियोन फ्रांस में अगला आता है यू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और हेड है इसके अचिम स्टिन ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं फिर अगला बात करें यू यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इसको फॉर्म किया गया था पाँच जून नाइनटीन को हेड क्वार्टर है नहरूबी कैनिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन डेनमार्क से पाँच जून को जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी इसी दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं दो में थीम 2023 में थीम रखी गई थी इन्वायरमेंट डे के सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन और किसने होस्ट किया था कोस्ट डी आईवरी के द्वारा होस्ट किया गया था और इसे सपोर्ट किया गया था नेदरलैंड्स के द्वारा 2022 की थीम याद रखनी अब इम्पोर्टेंट नहीं है अब बात कर लेते हैं एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी सोलह अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव है रोम इटली में डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग यू चाइना से ये बिलोंग करते हैं फिर अगला आ जाता है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इसकी स्थापना विधि चौदह सितम्बर नाइनटीन में वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है मेंबरशिप देखें तेरह कंट्रीज इसमें शामिल हैं सेक्रेटरी जनरल है हैतम है अल घेस कुवैत से हैं ये और ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है लेकिन हेडक्वाटर इसका ऑस्ट्रिया में ही है ठीक है ये चीज याद रखिएगा अब तेरह कंट्रीज है कम कंट्रीज हैं तो एक बार नाम देख लीजिए सबका अल्जीरिया अंगोला इक्वेटोरियल गिनी गेबॉन ईरान इराक कुवैत लीबिया नाइजीरिया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सऊदी अरबिया यू और वेनिजला इससे पहले इक्वाडोर इंडोनेशिया कतर भी इसके मेम्बर थे लेकिन ये बाहर हो गए फिर अगला आ जाता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसको फाउंड किया गया था 10 नवंबर 1999 नाइनटी नाइन में हेडक्वाटर है मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में प्रेसिडेंट है इसके विटोल्ड बंका फिर उसके बाद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन चार अप्रैल 1947 में स्थापना हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में हेड क्वार्टर है इसका भी और सेक्रेटरी जनरल है जुआन कार्लोस सालाजार कोमेज आई एस ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए तो तीस नवम्बर दो में इस्टेब्लिश हुआ था गुरुग्राम भारत में इसका हेड क्वार्टर है डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर आई एस ए एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकोस होलैंडे के द्वारा इनको आईएसए को लॉन्च किया गया था ठीक है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट दोनों के द्वारा मिलके किया गया था लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक न्यू डेली ढाका बीजिंग या फिर मनीला आंसर बताएगा कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग जय हिंद